नमस्कार दोस्तों, हमने अक्सर सुना है और बड़े बुजुर्गों से भी कहा और सुना भी है कि कभी भी कोई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें चप्पल और जूते पहनकर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि चप्पल जूते पहनकर जाते हैं तो वह कार्य भंग हो जाता है और जिसकी वजह से आपके ऊपर आने वाली बाधाएं बढ़ जाती हैं। तो आज जानते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। एक, जहाँ पर आपकी तिजोरी रखी होती है वहाँ पर चप्पल या जूते पहनकर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप चप्पल और जूते पहनकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर धन लक्ष्मी आपका विराजमान होती है, उसे नाराज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके घर से वह रूठ कर घर छोड़कर चली जाती हैं। तो इसलिए आप घर की तिजोरी के पास कभी भी चप्पल जूते पहनकर ना जाएं। दो, दूसरा स्थान है रसोई घर, क्योंकि रसोई घर एक अन्न भंडार होता है जहां पर सभी का लालन पोषण होता है। यदि आप चाहते हैं कि रसोई घर में हमेशा भंडारण भरा रहे तो आप कभी भी चप्पल जूते पहनकर ना जाएं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता आती है और उसके साथ साथ आपके घर से अन्न भंडार भी कमी हो जाती है। तीन, स्टोर रूम। हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर हमारा ज्यादातर सामान रहता है, जैसे अन्न भंडार हम ज्यादा इकट्ठा करके ले आते हैं तो फिर हम उसे स्टोर रूम में रख लेते हैं, और यदि स्टोर रूम में आप यदि चप्पल पहनकर जाते हैं तो उसका भी आपको नुकसान होता है। कहा जाता है स्टोर रूम में माल अन्नपूर्णा का वास होता है, यदि अन्न भंडार रखा होता है तो आप उस घर में या फिर उस स्टोर रूम के कमरे में कभी भी चप्पल जूते पहनकर ना जाए, क्योंकि अन्न भंडार के होने से वहां से अन्नपूर्णा माँ रूठ जाती है, जिसकी वजह से वह कभी भी आपके घर में विराजमान नहीं होंगे। चार, नदी के किनारे। हमने अक्सर देखा है कि हम लोग नदी में नहाने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, या कोई पवित्र नदी में हम लोग सिर्फ जल देखने ही जाते हैं या अर्पण करने के लिए जाते हैं, तो आप कभी भी चमड़े के चप्पल जूते बिल्कुल ना पहन के जाएं। कहा जाता है कि माँ नदी देवी यानी कि जो जल रूपी देवी हैं वह आपसे नाराज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में हमेशा बाधा हमेशा ही रहेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या या बाधा ना आए तो आप अपने जीवन से यह चप्पल जूते की कल्पना करना भूल जाएं। पांच, हमने अक्सर देखा है कि हम जब भी किसी मंदिर में जाते हैं या किसी द्वार पे जाते हैं जहाँ पर पवित्र मन होता है तो वहाँ पर कभी भी चप्पल जूते पहन कर नहीं जाते। कहा जाता है कि आप चप्पल जूते हमेशा द्वार के बाहर ही छोड़कर जाएं, क्योंकि चप्पल जूते दरिद्रता लेकर आते हैं और आपके धन में कमी भी करते हैं। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो आप हमेशा दर्शन करने के लिए नंगे पैर जाएं, या फिर आपका घर से ज्यादा मंदिर दूर है तो आप उस जगह से थोड़ी दूरी पर चप्पल जूते जमा हो जाते हैं तो आप वहाँ चप्पल जूते जमा कराएं और उसके बाद हाथ मुंह धोकर ही उस मंदिर में प्रवेश करें। ऐसा करने से आपके घर से और आपके जीवन से समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये है वह स्थान जहाँ पर यदि आप चप्पल जूते पहनकर जाते हैं तो वह आपके घर में दरिद्रता और समस्याएं लेकर आते हैं। यदि आप चाहते हैं इन समस्याओं से दूर होना तो आप इन जगह पर कभी भी चप्पल जूते पहनकर ना जाएं। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।